अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं इस वक्त अपने फार्म पे हूँ। घास वास मैंने अपने शिप्स को डाला, खाना सब मुर्गियों वर्गियों सब काम मैंने यहाँ का ख़त्म कर लिया है। अब पापा आएगा, वही आज की कमांड संभालेगा यहाँ पे। मुझे कहाँ जाना है, कल जुमा था, जुमा नमाज के बाद मुझे फ़ोन आया कि आपको कल मीटिंग के लिए जाना है, आज मीटिंग के लिए जाना है, डॉक्टरों के साथ मीटिंग है। देखेंगे वहाँ पे क्या मीटिंग होगी, क्या बातें होगी। तो अगर मुझे वीडियो उठाने वाला मिल गया तो उठाएंगे, तो वरना देखेंगे कोई कोई शॉट मत उठाएंगे। तो वीडियो में बने रहना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना। तो फिलहाल घर जाते हैं, घर से बाइक पे निकलते हैं, बाइक थीद में रखते हैं, तो फिर वहाँ से गाड़ी आएगी हमें वहीं की डिपार्टमेंट की गाड़ी, और वहीं से मतलब उठाएगी वापस फिर डालेगी। चलो चलते हैं, आप भी वीडियो में बने रहना। दोस्तों हम पहुँच गए अपनी मंजिल की ओर, गाड़ी भी पहुँच गई है। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, इन्होंने ये गाड़ी कर लिए है। तो आपके साथ मुलाकात होगी वहीं पर डिपार्टमेंट पर, देखेंगे कौन सी बात क्या करनी है वहाँ पर। तो लोग भी आ चुके हैं, गाड़ी में चढ़ चुके हैं। तो ये रही थी वो गाड़ी शिप वालों की, तो इन्होंने ये वाली गाड़ी की है, हम भी चढ़ते हैं तो हम भी निकलते हैं। मिलते हैं आपको वहीं पे, वीडियो में बने रहना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं कौन सी बात वहाँ पे करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। روزگار بنانے خطر اسی کے لیے آپ کو وہاں پہ جانا ہے تک آن تم ایکسپرٹ مل مزہ کام کران ایکسپرٹ ہر کن پروسیس ٹائم پروسیس کے بارے میں یہاں پہ انٹری ہو رہی ہے دوستو، تو ابھی پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ ये सारा धोने का प्रोसेस चल रहा है। बाद इन मशीनों के जरिए यहां से जाता है। फिर दोस्तों ये प्रोसेस रहता है, यहां से वापस आता है। इसके बाद दोस्तों ये प्रोसेस रहता है, धोने के बाद यहाँ पे इसको डाला जाता है, तो साफ करके यहाँ पे डाला जाता है। छल अच्छी बात है दोस्तों, ये हुआ धोने के बाद ये प्रोसेस होता है। इसके बाद यहाँ पे जमा होता है, इसमें डाला जाता है शायद। आगे भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ये प्रोसेस रहता है इसके बाद। तो इसके बाद ये होने के बाद मतलब
ये वूल से बनी हुई कमल है, सारा वूल का बना हुआ है। ये देख लीजिए मोटा, तो ये मशीन है यहाँ से जिनमें प्रोसेस हो रहा है। तो पता नहीं रेट की रेट क्यों डाउन है फिर वूल का। अस्सलाम वालेकुम, बड़े शुक्रगुजार हैं आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आप लोगों ने अपना वक्त सफर किया। मकसद यहाँ इसका बहुत सारे बंदों को मत पता होगा, ये उर्दू छू ना करा फिर कश्मीरी समझ आते हैं कश्मीरी भी और उर्दू भी, चल मैं उर्दू में ही आप लोगों को। तो हमारा मकसद ये है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनने ये मशीनें ये देखी होगी, गर्ज ये नहीं था हमारा कि आंखों को देखनी है मशीन क्या है क्या है। हमारा सिर्फ मकसद ये था आपका देखना कि जो ऊन है अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो भी आप ऊन जमा करते थे वो सब जाया हो जाता था। अभी मैं उनसे भी बात कर रहा था, यही बात चल रही थी कि अभी तक ऊन सारा जाया हो रहा है, बिल्कुल कुछ कीमत इसको आता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए कहीं जगह पे 40 रुपए 50 रुपए वो ही आता है, जिसका हम लोग दो भाइयों के 40-50 वो भी नहीं आता है, बिल्कुल बिल्कुल। अब इस पर क्या किया है सरकार ने, एक कदम उठाया है इस पर जिसको बोलते हैं वूल बोर्ड। वूल बोर्ड पहले चालू था यहाँ पे, डिपार्टमेंट का बाजाइबता वूल बोर्ड था, इसका अलग डायरेक्टर होता था, ये पूरा बरकरार होता था जिससे ऊन आती थी। 20-30 साल पहले की बात है, ऊन लेते थे और ऊन को वैसी ही कीमत आती थी पहले, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या हो गया बाकी चीजों की कीमत बढ़ गई लेकिन ऊन बेचारा वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि इसमें सिंथेटिक फाइबर आ गया। सिंथेटिक फाइबर मतलब हो गया नेचुरल फाइबर नहीं कि हाँ बिल्कुल मसले रेशा, बिल्कुल जो लुधियाना में बनता है भिलवाड़ा में बनता है, तो उसकी वजह से क्या हो गया जो यहाँ का वूल बोर्ड है वो बंद हो गया। अब सरकार क्या कर रही है वो वूल बोर्ड को अब क्या कर रही है सरकार वूल नाम क्या है शकील अहमद रथ दारा से। चले इसे आज को ये अप शॉर्ट कोर्स एक्सपोजर ट्रेनिंग थोड़ा बहुत अमी पहनान वूल प्रोड्यूस गोसेसिंग से वैल्यू एडिशन कशिर पे अगर समझो इस चीज मगर ओलव यह रोप लग अक्स रोप अलव अलवस अगर मशीन आस टेक्नोलॉजी आश अगर अलव चिप्स बनो ये चिप्स अगर बनो लिफाफ में तरह भर नाइट्रोजन हवा बन तक बोगी लिफाफ ये लिफाफ कह वह रोप गोस रोप बने अच्छा वैल्यू एडिशन चीज सुई ओलव सुई पीछे ये इतने वूलस मारे इसमें मुझे लगता है उर्दू में बात करूंगा ठीक है। तो वूल में बहुत प्रोविजन है, हमें स्कोप है वैल्यू एडिशन का और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी छुपी हुई है। अगर हम वूल में वूल को वैल्यू एडिशन कर पाए अपनी लेवल पे अपनी कश्मीर में अपनी जगह पे या अपने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, तो जो हम वूल बेचते हैं बहुत कम दामों पर बेचते हैं उस वूल को हम अच्छे दामों पर फरोख्त कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ दो स्टेप इसमें करेंगे, एक तो स्क्वायरिंग और उसके बाद कार्डिंग, कार्डिंग के बाद अगर टॉप बनाएंगे आप टॉप, तो टॉप लेवल पे पहुंचते पहुंचते इसकी वैल्यू जो अभी हम बेचते हैं कम से कम 7-8 गुना बढ़ जाती है। अगर हम अभी 30 रुपए में 1 kg बेचते हैं, अगर टॉप लेवल तक हम ले जाए इसको तो ये कम से कम 150 से 200 रुपये पर kg आपको पैसा आएगा। इससे कोई ज्यादा लागत नहीं लगती है, आपने खुद देखा पानी में धोना है उसमें केमिकल सोप डालना है गर्म पानी में, तो उसके बाद उसको सुखाना है, सुखाने के बाद फिर उसको वो जो बार बार निकालना है वो है। लेकिन इसमें हमें ये इशू है कि अभी हमारे पास वो मशीन
नहीं है, मशीन नहीं है। हम आपके ताऊ से आपको लेके, अगर हम चाहें कि आप अकेले ये काम करें, एक अकेला आदमी ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको जुड़ना है, आपको जुड़ना है, जुड़ के आपको एक कोऑपरेटिव बनाना है, एक फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तश्कील देनी है। तो वो फार्म जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसके मुझे लगता है आप में से कोई कोई मेंबर होगा, तो उसमें फिर आपको अपना शेयर निकालना है और यहाँ से गवर्नमेंट का शेयर भी आएगा। फिर हम छोटी छोटी कारखाने एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे आप अपना वूल भी प्रोसेस कर पाए और जो बाकी लोगों का वूल है उसको भी आप प्रोसेस करके उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, इनकम जनरेशन के वसायल हैं इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया गया, इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ होगा, आपको एक वर्ड से आपको मिला होगा कि हम वूल को कैसे थोड़ा प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे सब शेयर कर सकते हैं। तो हम बैठे इधर इसी के लिए कि आपके जो भी मसाइल हैं उनका हम तदारु कर सकें, उनको एड्रेस कर सकें।